हेलो गाइस, स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल भूपेंद्र ओझा ब्लॉग्स। एक और नया दिन, एक और नई जर्नी और एक और नए दिन की शुरुआत करते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार के साथ। तो जिया गाइस, आज हम लोग हैं पत्रिका गेट के ऊपर जो कि मालवीय नगर में स्थित है। तो गाइस आपको दिखाते हैं पत्रिका गेट आज आपको फुली तरह से। तो गाइस सीधी बात, नो बकवास, ये है पत्रिका गेट जो कि जवाहर सर्कल मालवीय नगर में स्थित है। एयरपोर्ट की डिस्टेंस यहाँ से मात्र 600 मीटर के दूरी पे एयरपोर्ट स्थित है। इस पत्रिका गेट के अंदर 9 दरवाजे हैं और खिड़कियाँ जो है वो बनी हुई है। इसका निर्माण राजस्थान पत्रिका द्वारा जो है वो किया गया है। आप देखिए कितना मनमोहक, कितना सुंदर दृश्य है। ये लोकेशन जो है वो प्री वेडिंग शूट्स के अंदर काफ़ी काम आती है और दिन भर यहाँ पर सैलानियों की और जो लोकलाइट्स है उनकी भीड़ लगी रहती है, जहाँ पे वो फोटोग्राफ लेते हैं। यहाँ पर पत्थर के हाथी और सैनिक जो है वो तैनात किए गए हैं जो कि पत्थर से बने हुए हैं। तो ये गाइस आप देख पा रहे होंगे इस तरह से भाला लिए हुए ये महापुरुष जो है वो यहाँ पर खड़े हुए हैं, जो कि बता रहे हैं कि जयपुर को जो है वो किस तरह से रक्षा किया जाती थी। और आप देखिए पेंटिंग्स जो है, जैसा कि शेखावाटी स्टाइल में आप देखते होंगे कि जो हवेलियों के अंदर जो पेंटिंग है या जो पुराने महल जो हुआ करते हैं उसके अंदर जो पेंटिंग है, वही पेंटिंग जो है वो यहाँ पर की गई है, जो अपने आप में एक अद्भुत लुक जो है वो इस गेट को देती है। और गेट के जैसे ही पीछे की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर जो है बड़ा सारा ग्राउंड है जहाँ पर बच्चे जो है वो आपको स्केटिंग करते हुए दिखाई देंगे। तो जी गाइस, यहाँ पे ट्रेनर के द्वारा जो है वो स्केटिंग सिखाई जाती है और बच्चे अपनी अद्भुत कला का जो है वो प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं। कितने डेडिकेशन के साथ में आप देखिए बच्चे जो है वो यहाँ पे खड़े हुए हैं। और यहीं पर कैपिटल्स लेटर के अंदर जो है वो राजस्थान लिखा हुआ है, जहाँ पर लोग बाग जो है वो सेल्फी का आनंद लेते हैं। तो जी गाइस, काफ़ी हरा भरा पार्क है ये यहाँ पर। और आप देखिए 9 गेट जो है वो कितने खूबसूरत लगते हैं, क्योंकि अभी इसका निर्माणाधीन कंडीशन में है। आई थिंक इसका रिनोवेशन कुछ हो रहा होगा, इसीलिए बल्ली फंटे जो है वो यहाँ पर लगे हुए हैं। खासा भीड़ यहाँ पर जो है वो अवेलेबल है और अभी हुए हैं शाम के 5:30। और आप देखिए कि मौसम भी जो है वो काफ़ी खुशनुमा है। बादलों ने जो है वो इस पार्क को चारों तरफ से जो है वो घेरा हुआ है। तो गाइस, अद्भुत लोकेशन, अद्भुत जो है पीसफुल एनवायरनमेंट है यहाँ पर काफ़ी। और बच्चे जो है वो क्रीड़ा में यहाँ पर लगे हुए हैं। देखिए किस तरह से जो है वो बच्चे स्केटिंग का आनंद यहाँ पर ले रहे हैं। ये देखिए गाइस, नन्हे नन्हे बच्चे जो है वो किस तरह से स्केटिंग का अभ्यास कर रहे हैं। तो गाइस इनको बच्चों को देखते ही जो है वो एनर्जी अपनी बॉडी में आ जाती है, क्योंकि कभी हम भी बच्चे हुआ करते थे और कभी हम भी इस तरह की क्रीड़ाएं जो है वो किया करते थे। तो गाइस ये देखिए, ये यहाँ पर जो है वो एक चक्र लगा हुआ है, जो ये भी सेल्फी पॉइंट जिसे जो है वो बोला जाता है। और पीछे से आप देखिए बादलों का लुक और जो ग्रीनरी का जो लुक आ रहा है वो इस पार्क को एक अमेजिंग लुक दे रहा है। तो पार्क को जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से जो वेल डेवलप जो है वो पार्क है। यहाँ पर मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक के लिए लोग आते हैं। ये जो गौमुख है इसके अंदर से पानी जो है वो निकलता है और ऊपर की तरफ जो है वो 3 हाथी यहाँ पर बैठा रखे हैं जो कि संगमरमर से बने हुए हैं, जो कि पार्क को एक अलग से ही जो है वो लुक देता है। मौसम जो है वो काफ़ी खुशनुमा है, कहीं बादल हैं कहीं पर मौसम जो है वो क्लियर है। तो गाइस ये देखिए स्केटिंग का जो है वो बच्चे भरपूर आनंद ले रहे हैं। अंदर की तरफ हम लोग अभी नहीं जाएंगे क्योंकि अंदर जो है वो खासा अट्रैक्शन जो है वो शाम को स्टार्ट होता है। यहाँ पे है म्यूज़िकल फाउंटेन जो कि शाम के वक्त स्टार्ट होता है, थोड़ा सा लेट आवर्स के अंदर, क्योंकि जब म्यूज़िकल फाउंटेन जब चलता है तो उसमें कलर्स जो है वो आपको दिखाई देते हैं। तो वहाँ अभी हम लोग नहीं जाएंगे, उस वीडियो को हम बाद में कवर करेंगे, लेकिन अभी स्केटिंग देखकर जो है वो काफ़ी
शरीर में जो है वो जोश और उमंग भर रहा है, क्या हम भी स्केटिंग जो है वो कर सकते हैं। तो आप में से कितने लोग स्केटिंग करते हैं प्लीज़ कमेंट में करके जो है वो बताइएगा, ताकि मैं भी दोबारा से जो है वो ट्राई करता हूँ कि स्केटिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब।